सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज का जो वीडियो है आप सभी के फेवरेट वीडियोस में से एक है, और साथ ही साथ आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो नए हिडन प्लेसेस जिनका आप यूज कर सकते हो अपने रैंक मैच में, और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप पानी में छुप सकते हो, पानी में इनविजिबल हो सकते हो। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर फ्री फायर खेलते हो तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना क्योंकि मैं आपके लिए फ्री फायर की वीडियोस लाता रहता हूँ। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। सो गाइस चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हमारी सबसे पहली जो जगह है वो है इधर फैक्ट्री के पास में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही हमारी फैक्ट्री और ये रहा क्लॉक टावर, और इधर से एक जिपलाइन जा रही है जो कि क्लॉक टावर से पीक पे जा रही है, और यहाँ पे बीच में आपको एक पेड़ देखने को मिलेगा इस रोड के पास में, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। मैं मैप में भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी जगह मिसिंग ना हो। सो गाइस यहाँ पे आपको ये पेड़ देखने को मिल जाएगा, तो इस पेड़ के ऊपर आपको ग्लू वॉल लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। आप दो या तीन बार ट्राई करना फिर आपका हाथ बैठ जाएगा, तो आप एक बार में लगा पाओगे, लेकिन पहले आपको दो तीन बार ट्राई करने की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस जैसे आप ग्लू वॉल लगा देते हो तो आपको ऊपर की तरफ चले जाना है जहाँ पे जिपलाइन का मुंह है, आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, क्लॉक टावर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको पीक की तरफ जाना है, और जैसे आप ग्लू वॉल लगा दो आपको तुरंत जाना है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से जाके आपको जिपलाइन को यूज़ कर लेना है, नीचे की तरफ से कभी भी यूज़ मत करना वरना ये ट्रिक जो है वहाँ से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ से जिपलाइन को यूज़ करना है। सो गाइस चलते हैं जिपलाइन से और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जगह कौन सी है। तो तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्री फायर खेलते हो तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो। सो गाइस आपको उस पेड़ के ऊपर जाना है, और जैसे आपको लगेगा मैं पेड़ के ऊपर हूँ, ग्लू वॉल के ऊपर हूँ, तब आपको सिंपली जंप कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ग्लू वॉल आया और मैंने जंप कर दिया, तो जैसे आप जंप करोगे आप ग्लू वॉल के ऊपर आ जाओगे, तो आपको बीच में आ जाना है पेड़ के ऊपर, आपको सिंपली अपना मूवमेंट वाला बटन को यूज़ करना है, थोड़ा आगे खिसकना है और पेड़ के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्लू वॉल थी वो भी टूट चुकी है, फिर भी मैं ऊपर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ग्लू वॉल टूटेगी तो आप नीचे गिर जाओगे। यहाँ पे आप चारों तरफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे की तरफ जो ग्लू वॉल थी वो टूट चुकी है, फिर भी मैं अभी ऊपर हूँ। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इजीली यहाँ पे एक ही बार में आ पाओगे। सो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप ऊपर आ सकते हो। और गाइस जब यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो आपकी आधी हेल्थ चली जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं नीचे उतरा हूँ और यहाँ पे मेरी 90 हेल्थ बची है। तो इस तरह से अगर आप भी नीचे उतरोगे तो आपका थोड़ा सा जो है डैमेज होगा। सो गाइस ये हिडन प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। सो गाइस अब मैं आपको एक और हिडन प्लेस बताऊंगा जिसका आप यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ उसके बाद जो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप पानी में इनविजिबल हो सकते हो। हाँ गाइस पानी में इनविजिबल हो सकते हो, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस हमारी जो दूसरी लोकेशन है वो है इधर भीमा शक्ति और पीक के बीच में, मैं आपको मैप ओपन करके भी दिखा दिया ताकि अगर आपको समझ में ना आए तो मैप को देख के आ सकते हो। और गाइस इस वाली हिडन प्लेस के लिए आपको ग्लू वॉल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपको सिंपली इस ट्रक के पास में आ जाना है। इस ट्रक के पास में आने के बाद जिस तरह से मैं जंप कर रहा हूँ इस तरीके से आपको सिंपली जंप करना है और ट्रक के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको चारों तरफ से कवर मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हो एनिमी को इजीली मारने के लिए। यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी यहाँ पे एक बंदा आया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने उसको कैसे मारा। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो यहाँ पे मेरे को बंदा आता हुआ दिखा, तो मैंने इस दीवार का जो है यूज किया कवर के रूप में, और यहाँ पे मैंने इस बंदे को इजीली मार दिया। अगर पीछे की तरफ से कोई बंदा आता है तो आप पीछे की तरफ भी कवर ले सकते हो, इजीली मार सकते हो। अगर राइट साइड में कोई बंदा आता है तो आप यहाँ से कवर लेके ऊपर चढ़ के भी मार सकते हो। और गाइस अगर खुली वाली साइड से बंदा मारता है तो आपको सिंपली लेट जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंदा मेरे को मार रहा था और मैं लेट गया तो बंदे की गोली लगना जो है बंद हो गई, तो यहाँ पे मैं फिर से खड़ा होकर भी उसको इजीली मार सकता हूँ। सो गाइस ये वाली जगह आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना। मेरे को तो यार एकदम बेस्ट लगी यार, मतलब जोन के कितने बीच में होती है ये जगह, हर बार जोन यहाँ पे आसपास में ही बनता है क्योंकि ये जगह ही एकदम बीच में है। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने पानी वाले ट्रिक की तरफ। सो गाइस पानी में इनविजिबल होने के लिए आपको एक गन की जरूरत पड़ेगी, ऐसी गन होनी चाहिए जिसके अंदर स्कोप हो, चाहे वो एआर गन हो, एसएमजी गन हो या फिर पिस्टल हो, उसके अंदर स्कोप होना जरूरी है।
और गाइस इनविजिबल होने के बाद कोई भी बंदा आपको नहीं देख पाएगा, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ऐसी एक गन चाहिए जिसके अंदर स्कोप हो। तो यहाँ पर मेरे पास पिस्टल है, तो आपको पानी के अंदर बैठ के आगे बढ़ना है। जितना बैठ के आप आगे बढ़ सकते हो उतना आगे बढ़ना है, फिर बैठ के आपको स्कोप खोलना है और आप इनविजिबल हो जाओगे, यानी कि अभी मैं इनविजिबल हो चुका हूँ। सो गाइस अब आपको मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैं इनविजिबल हो चुका हूँ। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं पानी के अंदर जा चुका हूँ, और बूम गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पानी के अंदर से गायब हो चुका हूँ। तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे साफ साफ, और साथ ही साथ मैं आपको पास में जाके भी दिखा देता हूँ कि अगर कोई बंदा उसके पास में होके निकलता है तो उसको दिखता है या नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्कोप खोलेगा तो रेड हो जाएगा, मतलब उसको पता चल जाएगा। लेकिन यार पानी के अंदर कौन स्कोप खोलेगा आपको पता ही है, कभी कभार मतलब 10 बार करोगे तो उसमें से एक बार चांस भी नहीं है कि कोई बंदा आपको स्पॉट कर पाएगा। यहाँ पर अगर पानी में से बंदा कोई तैर के भी जा रहा होगा तो भी आप उसको नहीं दिखोगे। सो गाइज नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत सी मज़ेदार वीडियो आने वाली है, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा उन वीडियो में। सो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ऑल पे सेट कर दो। सो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो अपने दोस्तों के साथ हर जगह पे, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। और गाइज बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।